तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ इसे बिठा ली यहाँ पर। आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आईसी बिठाई है और यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट लगाया हुआ है, माइक्रो जम्परिंग इस कॉम्पोनेंट के साथ में किया हुआ है। और ये जो यहाँ पे हमने एक ट्रैक को काट के, अगर ये आईसी के अंदर करना होता तो मैं आईसी के अंदर करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखते हैं, होपफुली हमारा जो सॉन्ग है वो बज रहा है कि नहीं बज रहा है। एक बार क्योंकि पेस्ट लगाया है इसलिए थोड़ा सा उसको क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो छोटे छोटे शोल्डर्स होते हैं वो कई बार कंपोनेंट के आसपास लग जाते हैं और फिर वो शॉर्टिंग कर देते हैं, तो जो हीटिंग होती है जनरली वो इसी प्रकार से और इसी वजह से आती है। आप जैसे ही देख रहे होंगे यहाँ पे लाइट और ग्राफिक्स और एक वाईफाई आईसी लगी हुई है। अब हम इसको बोर्ड में लगाएंगे। हाय दोस्तों, मेरा नाम देवतन अग्रवाल है और आज मैं आपको एक एंड्रॉयड फ़ोन का, ओप्पो का एक रिंगर, 9 बॉल का रिंगर का थोड़ा सा इशू बताता हूँ और इसका मैं आपको बॉल का सर्किट भी आज आपको बताऊँगा। तो ये बहुत एक अच्छा वीडियो आपके लिए हो सकता है जिसमें आप एक अच्छा नॉलेज ले सकते हैं। पर मैं आपको बता दूँ, कुछ भी नॉलेज अगर हम ले रहे हैं और अगर आपको लगता है कि शुरू से आपको चीज़ें नहीं आती, बेसिक आपको क्लियर नहीं है और ऐसे ही या तो और भी अदर्स, क्योंकि इसमें मैं 9 बॉल का बताऊंगा, वैसे ही 14, 16 बहुत सारी बॉलों के एक आईसी होते हैं। अगर आपको सर्किट जानना है सही तरीके से, मैं हमेशा डायरेक्ट सोल्यूशन देने में, आपको देखा होगा कि हम अपने वीडियो में डायरेक्ट सोल्यूशन ज़्यादातर देखते नहीं हैं। हमारे जितने भी वीडियो होते हैं वो स्टूडेंट के थ्रू ही होते हैं, पर क्योंकि ये एक मसला मेरे पास रखा था तो मैं इसको बना रहा था, तो सोचा है क्यों ना वीडियो के साथ ले लें। और क्योंकि चैनल है तो आप लोगों के लिए भी कुछ एक सोल्यूशन मैं ले आऊँ। ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मेरे जो टेक्नीशियंस हैं या जो बहुत सारे टेक्नीशियन जो ऑल ओवर काम कर रहे हैं, ये काम देखकर वो लोग काम तो कर सकते हैं अपना, पर वो सेटिस्फाई फिर उसके बाद भी नहीं होंगे, क्योंकि इसके बाद वो जो आईसियां भर जाएंगी तो उस आईसीओ पर वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर आईसी का स्ट्रक्चर, हर आईसी का डिज़ाइन अलग होता है। आज के डेट में दोस्तों मैं आपको सच बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये कहना कि मेरे हिसाब से कि अगर नोकिया के स्कीमेटिक डायग्राम्स को आप लेके चलोगे तो एंड्रॉयड सीख जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। पूरे सर्किट चेंज हो गए हैं, नए नए सर्किट आ गए हैं, हर आईसी का एक स्कीमेटिक अलग बन चुका है और हर आईसी का स्ट्रक्चर अलग है। हर आईसी पे ईएन सिग्नल या प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन या कौन सी सप्लाई है, सब अलग हो गया है। सो आपको जो सर्किट सीखना है वो प्रॉपर तरीके से सीखिए। डायरेक्ट ईएमसी पे काम करने वाले मुझे लगता है कि वो सिर्फ आईएसपी पिन आउट कर पा रहे हैं और जो डेड फोन है, क्योंकि अगर डेड फोन आ रहे हैं तो फिर वो किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि रोजिंग और जो थिनर का मैटर या फिर जितने भी ये शॉर्टिंग है, क्योंकि जब आपके फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है या कोई चीज़ इनेबल नहीं हो रही है तो उसको बिना सर्किट के नॉलेज से वो आप चीज़ जान नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए आपको मैं मुद्दे पर ले जाता हूँ। मेरे पास एक फ़ोन है ओप्पो का A37, देखेगा यहाँ पर मैंने एक सॉन्ग मैं यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ, यूट्यूब से एक मैं सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, और क्योंकि इसमें यूट्यूब का ऐप नहीं है इसलिए मैंने एक क्रोम ओपन करके रखा हुआ है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें आवाज़ नहीं है, साउंड नहीं, हालांकि इसकी साउंड आईसी निकली हुई है, फिर भी मैं आपको पहले दिखा, देखिए थोड़ा पास लेके आइए। सो देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, सॉन्ग प्ले हो रहा है, आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और इसका जो वॉल्यूम है, मैं वॉल्यूम बढ़ा के भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए वॉल्यूम इसका पूरा फुल है, वॉल्यूम पूरा फुल है, तो वॉल्यूम फुल है उसके बाद भी इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। और तो जनरली ऐसे जो मोबाइल हैं, किसी भी जो टेक्नीशियन डायरेक्ट सोल्यूशन से नहीं होगा, सिर्फ आईसी निकालने या लगाने से या वो सीखने से हम मोबाइल रिपेयरिंग को सीखना नहीं कहते हैं दोस्तों। पूरा सर्किट का नॉलेज होना चाहिए और पूरा बेसिक का ज्ञान होना चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं किस तरह से हम इसको बनाएंगे। चलिए तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बोर्ड पे आ चुके हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं इस बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है कि जनरली ये जो बोर्ड है, मैं बता दूं कि ये किसी भी मेरे स्टूडेंट के कस्टमर का नहीं है, ये एक घर ही का बोर्ड है और ये एक स्टूडेंट के ही घर का बोर्ड है, हमारा बोर्ड नहीं है, स्टूडेंट के घर का बोर्ड है। और इस बोर्ड में प्रॉब्लम क्या है, इस बोर्ड में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आईसी को हमने निकाला सिर्फ आपको समझाने के लिए, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, या आईसी को हमने सिर्फ समझाने के तौर पे निकाला हुआ है। बाकी इस वीडियो में फॉल्ट ये है कि इसके इस वीडियो में
इस जो 9 वोल्ट के एसी में जो ईएन सिग्नल आता है उसके साथ ये जो कंपोनेंट लगा था वो कंपोनेंट निकल गया है। और होता है कई बार किसी भी टेक्नीशियन ने चेक करते समय कंपोनेंट निकाल देते हैं, और जनरली हम लोग गलती क्या करते हैं कि कंपोनेंट निकालते समय या तो ट्विजर से ही निकाल देते हैं, या तो आपने देखा होगा कई टेक्नीशियन या कई टीचर लोग भी ये गलतियाँ करते हैं, ट्विजर से निकाल दिया या तो सोल्डिंग आयरन से ही निकाल देते हैं, और वो ये जो टिप्स होता है खो जाता है। क्योंकि अगर प्रॉपर वे में आप SMD से एक सही तरीके से हीट से निकालोगे तो कभी भी आपका ये काम नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये है जो IC है 9 वोल्ट की, इसको सिर्फ आपको यहाँ पर एक 1.8 वोल्टेज की सप्लाई देनी है तो ये आपका IC चल जाएगा। मैं आपको बता दूं ये इसका आउटपुट होता है, ये यहाँ पर इसका ये BPH की लाइन है यहाँ पर 4 वोल्ट की, और ये इसका A1 है, यहाँ पे नोज कट पॉइंट है, और यहाँ पर अगर हम बात करें ये कैपेसिटर इसके इनपुट में ऑडियो IC के फ्रिक्वेंसी के साथ यहाँ पर एक रजिस्टर एक कैपेसिटर पैरेलल जो फिल्ट्रेशन कर रहा है, और एक सीरीज में रजिस्टर है, और ये जो है ये लाइन इसकी B2 इसका ग्राउंड है, ये जो B1 और B3 ग्राउंड है, और जो B2 है ये इसके साथ में एक पैलर में कैपेसिटर लगाया है जो इस IC को फिल्ट्रेशन कर रहा है, एक तरीके से ये एक NC है। और यहाँ पर ये जो आपका C1 है, और ये जो C1 मैं आपको बता रहा हूँ ये C1 इस कैपेसिटर के साथ फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ लगा हुआ है। 9 वोल्ट में सर्किट 2 भी बनता है, एक C1 के साथ एक कैपेसिटर सीरीज में लगा होता है जिसमें 2 सप्लाइयाँ सीरीज में होती हैं, एक A1 पे और एक C1 पे। यहाँ पे सर्किट 1 है तो यहाँ पे सिर्फ A1 पे दी हुई है, C1 पे इधर दी है। दोस्तों मैंने इसी बोर्ड में पैसे पहले भी चेक किया हुआ है, और मैं आपको बता दूँ उधर ये जो कॉम्पोनेंट है ये पैलर में लगा था, पर यहीं पर ये कॉम्पोनेंट ये सीरीज में लगा हुआ है। हालांकि हम इसको यहाँ पे स्क्रैच किया हुआ देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक हमें एक ये देखिए एक ट्रैक दिखाई दे रहा है, हम इस ट्रैक को स्क्रैच कर सकते हैं, और अगर हमें यहाँ मिल जाए तो हम सबसे पहले यहाँ पे माइक्रो जंपिंग करके यहाँ पे टिप्स बनाने की कोशिश करेंगे, और उस पर कॉम्पोनेंट बिठाकर हम IC बिठाएंगे और प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। अगर कहीं हम इसको बाईपास भी कर सकते हैं, हम अपनी पावर है ये PM है हमारा, इसके बगल में हम किसी कैप देखिए कैपेसिटर में मैंने यहाँ पे धूरा भी था, और मुझे इस कैपेसिटर में यहाँ पर 1.2 की सप्लाई मिली थी जो कि मेरे लिए मोर देन इनफ है, और मुझे सिर्फ यहाँ से एक जम्पर उठाकर मुझे अगर मैं यहाँ दे दूँ और IC बिठा दूँ तो भी मेरा रिंगर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं पूरी तरीके से सही काम करूँ तो ये आपके लिए भी बेनिफिट होगा, और कुछ नई चीज़ आपको सीखने को यहाँ पे मिलेगी। तो हम इसको बाईपास भी कर सकते हैं, और बाईपास में दोस्तों कोई इतना कुछ प्रॉब्लम जाएगी नहीं, ना आपका किसी चीज़ का प्रॉब्लम जाएगा बाईपास में। आप देखिए ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो ब्रश है ये हार्ड ब्रश है, ये आप जैसे कि आप देख रहे होंगे शुरू में यहाँ पर छोटे छोटे जो बॉल्स के आपको शोल्डर के वो जो पॉइंट दिख रहे थे वो पूरे क्लीन हो चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर एक गलती टेक्नीशियन क्या करते हैं कि इतनी छोटी वाली जो बॉल आइस होती है ये उसको जनरली साफ़ नहीं करेंगे, और ये उसको क्लीन नहीं करते और ऐसे ही लगा देते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ये बॉल बने हुए हैं और ये बॉल थोड़े दबे हुए हैं। अब जनरली हम ये जब IC बिठाएंगे तो हो सकता है कि कोई एक बॉल टच ना हो जिस वजह से IC, इसलिए IC को पूरा क्लीन करके और IC को रिबॉल करके लगाएंगे तो IC 1 टाइम में बैठ जाएगी। तो हमारा पहला मेन उद्देश्य है कि यहाँ से एक माइक्रो जम्पर लगा के यहाँ पर हम रखेंगे, और यहाँ से एक टिप्स बनाएंगे इसके साथ इसको शॉर्ट करेंगे क्योंकि ये लाइन इसके साथ है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पेस्ट लगाना है दोस्तों, और उसके ऊपर थोड़ा PPD रखना है।
एक इसका पेस्ट आता है RL 4503, ये लाइफ का काफी अच्छा पेस्ट है, ये देखिएगा। अब ये देखिए, सिर्फ इतने से करने से मेरा ये पॉइंट बन गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लीन करके दिखाता हूं, तो आप यहां पे नोटिस कर रहे होंगे जो यहां पर थोड़ा सा स्क्रैच किया था इस लाइन को, ये देखिए अब यहां पे मेरा एक सोल्डिंग पॉइंट बन गया है। अब यहां पर हम आसानी से काम कर सकते हैं। ये फाइबर क्लोथ है दोस्तों, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक माइक्रो जंपर बिठाना है, और जो जंपर नॉर्मल जंपर नहीं होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये 0.01 mm के जंपर हैं। ये जनरली आईफोन यूज़ करते हैं आईफोन वाले, ये माइक्रो जंपर हैं। अब में से जिनको पता है वो चीज़ अच्छी बात है, बाकी जिनको नहीं पता ये उनके नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जंपर वायर को पकड़ने के लिए भी ट्विजर अलग आता है दोस्तों, बहुत माइक्रो ट्विजर की जरूरत होती है जंपर वायर को पकड़ने के लिए। क्योंकि आप अगर मोटे ट्विजर से पकड़ेंगे तो ये टूट जाते हैं, ये बहुत ही पतले होते हैं। देखिएगा ये देखिए, ये जंपर वायर आपको दिख रहा होगा यहां पर, तो थोड़ा सा मैं पेस्ट यूज करूंगा वहां पर। तो दोस्तों आपने जैसे कि देखा कि मैंने एक यहाँ पे एक जंपरिंग की है, और माइक्रो जंपरिंग, और अब हम यहाँ पर ये देखिए, आप जैसे कि देख रहे होंगे इसमें क्या क्या ये चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ कि
ये जो आईसी का ये जो पिन है ना, ये C2 है। देखो मैं आपको इसका एक डायग्राम बना के भी बताता हूँ। खैर एक बार पर ये बन जाए, एक बार मोबाइल चालू हो जाए, तो फिर मैं आखिरी में डायग्राम जरूर बनाऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आखिरी तक, अगर आपको इसका डायग्राम सीखना है, इसका स्कीमेटिक आपको जानना है, तो पूरा आखिरी तक देखिए। ये आप इसको सिर्फ आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो भी आप, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चूक जाएं, क्योंकि हो सकता है मैं बातचीत में बहुत सारी चीज़ें भूल लाऊं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बना हुआ है ये देखिए, अब हम इसको राउंड करेंगे। वो जैसा आपने चाइनीज वीडियो में देखा होगा अक्सर, ये देखिए, ठीक है। मैं और बड़ा करके, थोड़ा सा और बड़ा कर, और इसको हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा सा और इसको फैला लीजिए, बड़ा कर लीजिए, और थोड़ा सा उसके लिए और माइक्रो ट्विजर चाहिए होता है, जो भी फिलहाल मेरे पास में दोस्तों है तो, पर मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया है। देखिए इतना बहुत है, अब होपली आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, दो टेक्स्ट बन गए यहाँ पर, हमारी दो टेक्स्ट तैयार हो गई है। अब एक बार हम उस पर रीडिंग चेक करेंगे कि हमें रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है तो मतलब टिप्स बनाने का कोई मतलब नहीं है रहा। तो देखते हैं हम यहाँ पर, और प्रॉपर रीडिंग आ रही है हमको यहाँ पर, 421 ओम्स की रीडिंग है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पर हम एक कंपोनेंट बिठाएंगे, तो हम यहाँ पे 0 ओम्स का रजिस्टर उठाएंगे और 0 ओम्स का रजिस्टर लगाएंगे ताकि वहाँ पे कंटिन्यूटी रहे। देखिए आप वहाँ पर सीधा सीधा जम्पर मार के पूरा काम कर सकते हैं, पर दोस्तों कंपोनेंट अगर आप बाईपास करते रहेंगे, अगर कंपोनेंट हटाकर आप दूसरा कुछ लगा देंगे, तो फिर सर्किट कैसा सर्किट रहेगा? फिर आप बताइए, आप कंपनी वाला काम करना चाहते हैं, और कंपनी वाला काम अगर आप नहीं कर पाएंगे, अगर आप बाईपास करेंगे, तो आप अपने जो कस्टमर है उसके मोबाइल की जो लाइफ है वो आप खा जा रहे हैं पूरी तरीके से। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको अपने कस्टमर के मोबाइल की लाइफ को नहीं खाना है सर। यहाँ पे मैंने एक रजिस्टर अगर यहाँ पे मैंने रजिस्टर लगाया है, क्योंकि जो EN सिग्नल होते हैं वहाँ रजिस्टर होते हैं। अब ये सीरीज में पैलर में होते हैं तो पैलर में लगा देते एक, और वो क्या लगाते हैं उसके लिए आप इंस्टीट्यूट आइए, ज्वाइन कीजिए, सिर्फ वीडियो में समझाया नहीं जा सकता है। और इंस्टीट्यूट है सर, जितना अच्छा आप जानेंगे उतना अच्छा आपके लिए बेहतर होगा, फिर तो ज़िंदगी भर आपको शॉप में काम करना ही करना है। कल लगेगा, परसों भी लगेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ 50।
नहीं बस आओ अब हम अपना जीआर चेक करेंगे। ये हमारा जीआर C2 पे हमारा आना चाहिए 400 और 800 के बीच में। तो देखिए दोस्तों हमारा जीआर आ गया है यहाँ पर और हमारा ये कंपोनेंट भी हमने लगा दिया है। अब हमको अपना आईसी लगाना है सही तरीके से, तो एक बार हम क्लीन कर लेते हैं। तो अच्छी होगा कि अगर हम आईसी को रिबॉल करके ही लगा दें। तो चलिए हम आईसी को रिबॉल कर लेते हैं। छोटी सी आईसी है दोस्तों, दिक्कत तो जाती है, बाकी अगर आपको आ जाए तो कुछ भी चीज़ छोटा नहीं है। ये देखिए अब मैं इस आईसी को रिबॉल करके लगाता हूँ आपके सामने। 9 वोल्ट की आईसी, इसमें देखो इसमें हो जाएगी। तो आईसी को रिवॉल्व करते हैं दोस्तों, होपली आपको दिख रहा हो। तो ये आईसी रिवॉल्व हो गई है। दिखाते हैं आपको, ये देखिए दिख रही है यहाँ पे आपको। तो ये आपके सामने देखिए दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट आईसी रिबॉल। हालांकि लोग ये आईसी रिबॉल करते नहीं है, बहुत से कमेंट शायद आप डालेंगे कि हम तो बिना रिबॉल करके बैठा लेते हैं, पर होता यही है, कई बार एक बार बॉल नहीं चिपक पाता तो उनको भी आईसी रिबॉल करनी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए सिर्फ चीज़ों को बोलना दोस्तों मुझे लगता है सही ज्ञान सही चीज़ नहीं होती है। देखिएगा अब हम यहाँ पर लगाएंगे, आपको नोज कट पॉइंट का ध्यान देना होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है टेक्नीशियन है ना जो या तो आपके पास में डीलर के मोबाइल आते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि सही तरीके से नहीं बन पाती ये चीज़ें, तो दिक्कत क्या हो जाती है कि जो नोज कट पॉइंट है वो मिस हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे नोज कट पॉइंट कहीं बना नहीं है। अब आप सोचेंगे आईसी कैसे बिठाएं, ऐसे बिठाएं, चार तरीके से आप आईसी बिठाएंगे। तो पर अगर आपको सर्किट का नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि जो आईसी को टेक्निकल कैसे पढ़ा जाए, उसका A1 B2 उसको किस तरीके से उसको बिठाना है, तो मुझे लगता है कि आप बिठा सकते हैं उसको। अब देखिएगा मैं आईसी को बिठाता हूँ यहाँ पर।
तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से बिठा ली यहाँ पर, आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे आईसी बिठाई है और यहाँ पे कॉम्पोनेंट लगाया हुआ है, माइक्रो जम्परिंग इस कॉम्पोनेंट के साथ में किया हुआ है। और ये जो यहाँ पे हमने एक ट्रैक को काट के, अगर ये आईसी के अंदर करना होता तो मैं आईसी के अंदर करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखते हैं, होपफुली हमारा जो सॉन्ग है वो बज रहा है कि नहीं बज रहा है। एक बार क्योंकि पेस्ट लगाया है इसलिए थोड़ा सा उसको क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो छोटे छोटे शोल्डर्स होते हैं वो कई बार कंपोनेंट के आसपास लग जाते हैं और फिर वो शॉर्टिंग कर देते हैं, तो जो हीटिंग होती है जनरली वो इसी प्रकार से और इसी वजह से आती है। आप जैसे ही देख रहे होंगे यहाँ पे लाइट और ग्राफिक्स और एक वाईफाई आईसी लगी हुई है। अब हम इसको बोर्ड में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर आईसी लगा ली है, अब हम यहाँ पर इसको बोर्ड में लगाते हैं और बोर्ड में लगा के इसको हम देखते हैं कि अब हमारा आउटपुट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैंने जैसे बोला हम इसको बाईपास भी कर सकते थे, पर हमने बाईपास नहीं किया। अगर ये पैलर में लगा होता तो हम इसको बाईपास करते, अगर ये पैलर में लगा होता तो हम इसको बाईपास भी कर लेते। और कहाँ से वोल्टेज देना है मैंने आपको बताया भी था इस वीडियो में, अगर आपने पूरा नहीं देखा तो वीडियो को मैंने पहले ही बोला स्किप मत कीजिएगा। सो देखिए इधर आइए थोड़ा, और यहाँ पर ये देखिए, ये मेरा फ़ोन ऑन हो गया है। मैं थोड़ा इसको चार्जिंग के लिए दे दूँ, क्योंकि चार्जिंग का मैं दोस्तों और एक स्क्रू टाइट कर देते हैं पीछे। देखिएगा तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ अपने ईएम सिग्नल को वहीं से बनाया और हम देख रहे हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हम आपको इसमें दोनों गाने बजाएंगे, क्योंकि कई लोग कह सकते हैं कि यूट्यूब के बज रहे हैं पर रिंगर नहीं बज रहा। तो देखिए, सो गाना लगाते हैं, या मैं अपना ही एक एशिया टेलीकॉम का वीडियो इसमें प्ले करता हूँ, नहीं तो इसमें चैनल पर जो कॉपीराइट आ सकता है क्लेम। देखिए एशिया टेलीकॉम ने किया है वीडियो, आपको आना है एशिया टेलीकॉम सर्च कीजिए, यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ये देखिएगा, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर का वीडियो हम यहाँ पे दिए हैं अभी आपको। हमारे हर स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे सीख रहा है, हर स्टूडेंट यहाँ पे मेहनत कर रहा है और सीख रहा है। यहाँ पर हर स्टूडेंट पे पर्सनल ध्यान देते हैं हम यहाँ पर। देखिए अब देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ वही आईसी और वही जम्पर, देखिएगा यहाँ पर देखिए। अब मैं यहाँ पे वोल्टेज दिखाना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ पे वोल्टेज दिखाना चाहता हूँ, आप देखिएगा वोल्टेज। आप पहले वहाँ देखिए, वहाँ पे मैं कहाँ टच कर रहा हूँ, फिर वोल्टेज दिखाइएगा। देखिएगा ये मेरा आउटपुट का वोल्टेज है, यहाँ पे मुझे 1.2 से 3 वोल्टेज मिलना चाहिए। देखिए वहाँ पे लगाइए, देखिए 2.2 वोल्टेज आ रहा है। और ये देखिएगा, ये जो मुझे ईएम सिग्नल है यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। देखिए लगाइए वहाँ पर, देखिए यहाँ पे 1.79 मतलब 1.8 वोल्टेज मिल रहा है। और ये मेरा इनपुट है, यहाँ पे मुझे 4 वोल्टेज मिलना चाहिए। देखिए दिखाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 4 वोल्टेज मिल रहा है। तो दोस्तों इसी तरह अगर हम बात करें, अगर आपको सीखना है पूरी तरीके से, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये एक्चुअल वीडियो लंबा हो गया है, मैं इसके बाद इसका सर्किट डायग्राम बताने वाला था। अब मैंने सोचा है कि इसका सर्किट डायग्राम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और वो तब जब आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे कि सर मुझे इसका सर्किट जानना है, प्लीज़ डालें। आपको हर स्टूडेंट को यहाँ पर पर्टिकुलर सिखाया जाता है सारे डायग्राम। आज मेरी जो रिंगर के, आज मैंने भी अपने जो स्टूडेंट है रिंगर की क्लास दी है,
स्पीकर की क्लास दी है, सर सिर्फ 9 बॉल नहीं 16 बॉल 14 बॉल 14 बॉल में भी 2 सर्किट, 9 बॉल में भी 2 सर्किट, अलग अलग बॉल पे अलग अलग रीडिंग, अलग अलग बॉल पे अलग अलग सप्लाई। तो ये सारी चीज आती है और ये सारी चीज हमें समझना होता है, सब कुछ हम वीडियो में नहीं समझ सकते। और यहाँ पे भी हमसे बाईपास हमने जो देखा, ये जो हमने बाईपास देखा मैं आपको बता रहा हूँ, वो बाईपास केवल आपका ईएन सिग्नल का बाईपास था। मैं चाहता तो इसको अलग तरीके से बाईपास भी डाल के दे सकता था, और इसलिए मेरा यहाँ पर ये चल रहा है। बहुत अच्छा वीडियो, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जरूर वॉच कीजिए। और अगर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल दिया है। और दोस्तों मैं आपको सच बताता हूँ, हमारे पास में जितने भी इंस्टीट्यूट हमारे पास में जितने भी स्टूडेंट आते हैं, मोस्टली 8-10 साल एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, और वो सिर्फ डायरेक्ट ईएमसी करने की सोचते हैं, पर वो हार्डवेयर करके एक सही डिसीजन लेते हैं कि ये सोच के कि पूरा बेसिक से सीखें, और वो उसके बाद में ईएमसी करते हैं डायरेक्ट ईएमसी। और ऐसा भी नहीं कि मतलब एक 10-15 दिन के कोर्स में हार्डवेयर प्लस ईएमसी दोनों करते हैं, पूरा बेसिक से हम इनको सिखाते हैं, हर चीज़ इनको प्रैक्टिकली बताते हैं। सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक क्लास चलती है हमारी। तो ये हिंदुस्तान में हम पहला इंस्टीट्यूट है जो 12 घंटे आपको क्लास देता है, 12 घंटे क्लास देता है। पूरी हमारी 50 SMD की लैब है, बहुत बड़ी हमारी लैब है, और हर स्टूडेंट को हमारे SMD और एक माइक्रोस्कोप दे के रखा है, बहुत बड़ी लैब है। आप आइए विजिट कीजिए कभी हमारे इंस्टीट्यूट में, और इसी से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहोगे नए स्टूडेंट अगर आते हैं यूएमसी करना चाहते हैं या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं, तो क्या बोलना चाहोगे? सर वो जो भी वो डिसीजन लेंगे तो वो बिल्कुल सही रहेगा, अगर यहाँ आएंगे तो सही डिसीजन होगा। अगर कहीं और जाओगे तो आप घूमते रहोगे बस काम में, हर जगह घूमते रहोगे, लेकिन अगर डायरेक्ट अगर आप काम एकदम परफेक्टली सीखना है तो आपको यही आना पड़ेगा, और आपको कहीं फिर बाद में किसी से भी कोई हेल्प जाने की जरूरत नहीं, इधर की जरूरत नहीं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बाद मैंने वही किया था, हार्डवेयर किया सॉफ्टवेयर भी किया, प्लस में सॉफ्टवेयर तो आता था लेकिन उसमें भी मेरे को सर और डॉट्स निकल गए जो मैं नहीं करता था मार्केट में। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाके सीख लेंगे, अभी तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी इतना जरूरत नहीं है। इसी पे स्टूडेंट आके यहाँ सीखना चाहते हैं तो उनको क्या बोलना चाहता हूँ? आप कहीं भी नहीं जाना है, खाली एशिया टेलीकॉम चूज कर लो, नंबर और बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ तक जाना है, बाद आप खुद प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद नंबर वन बन जाएगा। दिल से बोल रहे हो आपके, मैं जबरदस्त बुलवा रहा हूँ, मैं ऐसा नक्शे से कह रहा हूँ। दिल अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे एकदम 100% फुल प्रैक्टिकल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको किताब कापी भी लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज हो मोबाइल में जितने सारे कंपोनेंट लगे होते हैं उसमें कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा होता है, किस सेक्शन में लगा होता है, क्या काम करता है, इसमें कौन कौन सा वैल्यू आता है, और जब ये खराब होगा तो इसमें कौन कौन सा कितना कितना वैल्यू दिखा सकता है, यहाँ 100% पूरी इसकी जानकारी दी। यहाँ पे आपने साथ में है 28 दिसंबर का बैच, और सबसे पहले मैं यहाँ शुरुआत करना चाहूंगा कि यहाँ पर हम कितने दिन का आउटपुट दे रहे हैं बताइए? 5 दिन। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि 5 दिनों में किस किस को आईसी रिबोलिंग करना यहाँ सीखा है, किस किस ने हाथ उठा के बताइए? यहाँ पर आईसी रिबोलिंग करना सीखा है आप लोगों ने, ठीक है? अच्छा, हाथ नीचे कीजिए। आप में से कौन कौन फ्रेशर है जिसने बिल्कुल काम नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब मुझे बताइए किस किस ने लाइव मोबाइल में से सीपीयू निकाल के लगाकर चालू किया है सेट को? एक हो गया डेड मोबाइल से लगाना, एक हो गया चालू हैंडसेट से सीपीयू निकाल के वापस को चालू करना, आप सबने, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए। अब अपने नंबर बताइए कि किसने 1 से 2 से 1 ज्यादा बार किया है, जैसे किस किसने किया है, एक बार हाथ उठा के बोलिए बताइए। मैंने 4 बार किया 5 बार किया 3 बार सर 2 बार 3 बार 6 बार 3 बार सर 3 बार किया 4 बार 6 बार सर 3 बार किया 3 बार 2 बार 2 बार। अरे वकार खान ने भी 2 बार किया है, वेरी गुड। 7 बार, वेरी गुड। 2 बार 2 बार 2 बार। जो अपना बोल नहीं पाए वो बोले प्लीज। 6 बार किया आपने? 6 बार किया है, वेरी गुड। इसमें से 2 बार तुम तो फ्रेशर हो ना बिल्कुल, कि वो लोग हाथ उठाओ जो फ्रेशर थे, बिल्कुल जो फ्रेशर आए थे, बिल्कुल
आप में से फ्रेशर कौन है जिन्होंने काम नहीं किया है? सो आप लोग इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है? सो आप जैसे कि देख रहे हो कि इतने सारे लोग फ्रेशर है, अब उनमें से आप लोग हटवा किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर? किन किन को रिबॉलिंग आती है यहाँ पर? आप सबको रिबॉलिंग आती है? यस सर भी बोलना है बात, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप नीचे के लिए आप किन किन ने वन टाइम सीपीयू निकाल कर वापस लगा के ऑन सेट में उसको चालू किया हुआ? हाथ उठा के बताओ। सो यहाँ पर वन टाइम सीपीयू निकाल के अब एक बार अपने नंबर बता देना अगर किन्होंने एक एक नंबर से ज्यादा किया है, नीचे रख लो। कौन कौन ने ज्यादा किया है एक बार नंबर बोल दो अपना। आठ बार बैठे रहकर, आठ बार किया तुमने? तीन बार सर। तीन बार? दो बार नंबर बोलते रहो। दो बार नंबर बोलते रहो बस। चौदह बार क्या बात कर रहे हो? इतना दो बार किया ये फेक तो नहीं बनना है? बताओ। तीन बार ऑन मोबाइल में? बिल्कुल आपने किया है। कौन कौन लोग है जिन्होंने रिबॉलिंग आती है जिनको, हाथ उठाइए। जिनको रिबॉलिंग आती है, सबको रिबॉलिंग आती है यहाँ पर। चलिए ठीक है, हाथ नीचे के लिए। किस किस ने यहाँ पर चालू मोबाइल में सीपीयू निकाल के उसको फिर से चालू किया है, हाथ उठाइए। तो यहाँ पर सबने चालू किया है। यहाँ पर 5 दिन का आउटपुट बता रहा हूँ, सिर्फ 5 दिन की। 5 दिन में, अभी 30 दिन की क्लास है, नीचे रख लो हाथ। 30 दिन की क्लास है और आपने सिर्फ 5 दिन में बता रहे कि आपने किया। किसने एक से ज्यादा बार किया? आपने नंबर बोलिए, हाथ उठाइए, नंबर बोलिए। पांच बार आपने सीपीयू निकाल के लगा के चालू किया? मैंने छह बार सर। पांच बार? सात बार? दो बार? बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ। तीन बार? पांच बार? सात बार? चार बार? दो बार? छह बार? कितने बार? दो बार? पांच बार सर। पांच बार? पांच बार सर। तीन बार? दो बार तो यहाँ पर आप लोग ने दो बार तो चार बार यहाँ पर। ये जो आप मुझे अपना रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो फेक तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पर? तो हमको पता है हमको कौन सी वैल्यू का लगाना है बिना सर्किट डायग्राम के। अच्छा, किस किस को स्कीमेटिक रीड करना अभी बन जाएगा मुझे बताओ। सर्किट डायग्राम एटलीस्ट रीड करना बनेगा यहाँ पर, क्योंकि सर्किट डायग्राम रीड करना नहीं, रिसीवर और रिंगर जिस